तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और मुंबई ब्लॉग 85 में आप लोगों का स्वागत है। और आज जैसे कि मैं ड्राइवर के बारे में बताना चाहता हूं और एक भाई साहब मेरे पीछे भी है, हमारे ही जात के हैं। ड्राइवर का जात एक ही होता है, वो ड्राइवर होता है और कोई जात नहीं होता, तो वो हमारे जात के हैं, किसी के जात के नहीं, क्योंकि हमारे ड्राइवर का फीलिंग ड्राइवर ही समझता है, बाकी दुनिया वाले की औकात नहीं कि समझ लोगे। क्यों मालूम है? अपन हॉर्न भी मारते हैं ना, तो माँ बहन का गाली सुनना, कहीं कहीं तो थप्पड़ा देते हैं भाई, मैं खुद थप्पड़ खाया हूँ, क्या बोलो बराबर। तो दोस्त, आज मैं ड्राइवर का हकीकत बताने वाला हूँ, तो सुन के जाना कि यूं ही तन्हाई में जी लेते हैं हम, यूं ही तन्हाई में जी लेते हैं हम, रुसवाई में रातों को गुजार लेते हैं और सपने में तो देखते हैं कि घर में पहुँच चुके हैं, जब आँखें खुलती है तो परदेसियों को सलाम कर लेते हैं। तो ये ड्राइवर भाई का आप लोगों का सलाम है। और जो ड्राइवर है ना, हमेशा घर को मिस करते हैं। और यहाँ इतने सारे ड्राइवर है ना, मैं दिखाऊँ आता हूँ, ये जो देख रहे हैं ना, इतना गर्मी है भाई, मत पूछो भाई, मत पूछो मत पूछो, क्या माहौल है। देखो यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं भाई साहब, ये गाड़ी खाली है, ये गाड़ी भरा हुआ है, और आज मैं पूरा दिखाता हूँ। और ये देखो बे, गर्मी ही गर्मी है यार, ये देख, ना गाछ है ना पौधा है ना पेड़ है, ये हाईवे के बाजू में गाछ है, देखो ना पत्ता है क्या उधर, नहीं है ना, तो अपने को कौन समझता भाई। देखो इधर खाली गाड़ी पड़ी है, और अभी मैं हाईवे में लेके चलता हूँ, ये ड्राइवर कितना संघर्ष करते हैं, हाईवे का बीच से दिखाता हूँ, बने रहे वीडियो में। तो गाइस ये देखिए, ये होता है ड्राइवर, वाओ नाइस। तो हमारे लिए बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी मायने नहीं रखता है रे, बस गाड़ी मायने रखता है, हर गाड़ी अपन चलाते हैं, इसके लिए हाईवे में खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं। देखो राइट में भी लेफ्ट में भी, अपन बीच में खड़ा है, क्या बोलता पब्लिक। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना लेने के लिए, फिर खाना लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंडिया में ड्राइवर कैसे कैसे जीते हैं, तड़प तड़प के, किसी को खर्चा नहीं मिल रहा है, किसी को पगार नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये देख पूरा फट्टे एकदम, इतना गर्मी है ना भाई, टायर उड़ जाते हैं धाम धूम से। ये भी ना अपना कंपनी गाड़ी, अभी वो घुमा के आने वाला है, वो भी आने वाला है अभी घुमा के, अपना ही कंपनी का है। और दोस्तों ये है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, और ये पेट्रोल पंप ना ड्राइवर का जान होती है, नहाने का सुविधा, खाने का सुविधा, मैं जो अभी खाना लेने आया हूँ, बट यहाँ एक होटल था, ये जो टायर दुकान है यहाँ एक होटल था, बट ये होटल आज बंद है, संडे होने का कारण है या क्या है पता नहीं, बट आज बंद है। तो खाना अभी ये एरिया में अगर मैं जाऊँगा ना इधर पीछे, तो 5 किलोमीटर पीछे मुझे होटल मिलेंगे या 2 किलोमीटर पीछे, और इधर सामने भी होटल है, जो खाना अपने को जमेगा नहीं। तो ये पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप में वो साइड में बाथरूम है, मैं लेके चलता हूँ पहले, मैं इधर से चलता हूँ। तो ऐसा है ना दोस्त, ड्राइवर एक बहुत संघर्ष भरी जीवन जीता है, देख रहे हैं आप जो है कि, देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ी जो है, इतना ये देखिए बड़े बड़े ट्रक, ये क्या लगता है सब अपने गाड़ी में क्या बीवी बच्चा घर परिवार को लेके घूमते हैं? ऐसा नहीं है, ड्राइवर हमेशा फैमिली परिवार के दूर रहते हैं, दूर होते हैं, इसके लिए सब बर्दाश्त करके जीते हैं। देखिए ये भी एक सुपर हीरो है, देखो कार लेके जा रहा है, देख रहे हैं। तो ड्राइवर को हमारे देश में रिस्पेक्ट होता ही नहीं है। अभी बताओ ये नेता लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, अगर हम ड्राइवर रोड पे नहीं निकलेंगे, तुम्हारी औकात है कि तुम इलेक्शन करवा लोगे? नहीं करवाओगे। लेकिन ड्राइवर के लिए क्या कानून आ गया बताओ, कि मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता राजनीतिक, आई डोंट नो। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, मैं अंदर लेके चलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलने लगूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो ब्लॉगिंग के साथ साथ एक मोटिवेट वाला भी वीडियो रहता है, तो आप बने रहे वीडियो में, मैं दिखाता हूँ दृष्ट वाला नज़ारा। अरे ये बाबू, दोस्तों देखिए कितना आराम है यहाँ पे, ये गाछ जो है मुझे सुकून दिया यहाँ पे, देख सकते हैं मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ, रोड में इतना धूप है, आज मेरे नज़र के सामने 2 गाड़ी का टायर उड़े हैं, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, उतना टाइम मूड नहीं था वीडियो बनाने का। और जो ड्राइवर होते हैं ना दोस्त, वो संघर्ष भरे जीवन जीते हैं, बट
अगर कोई बड़ा सेठ अगर करोड़ों रुपया का गाड़ी लेता है तो उसे एक 25,000 का ड्राइवर की ज़रूरत भी पड़ती है। भले अगर वो दिलदार हो तो लाखों पगार दे सकते हैं, मगर ड्राइवर को 20,000-25,000 अगर तनख्वाह मिल जाए टाइम में तो वो बहुत बड़ी बात होती है ड्राइवर के लिए। तो बट और ड्राइवर जो है ना हमेशा मिस करते हैं सबको, अपने माँ बाप भाई बहन सबको मिस करते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ गाना मैं गुनगुना चाहूँ कुछ मैं गाना गुनगुनाना चाहूँगा जिसे मैंने लिखा है। सुने, ड्राइवर का पहला फीलिंग होता है कि ड्राइवर अकेले रहता है, तब सुने कि मैं अकेला जी रहा हूँ, मैं अकेला जी रहा हूँ, तेरी यादों का सहारा है मैं अकेला जी सहारा है दिल मेरा, जोरों से धड़कता है। दोस्तों ड्राइवर का दिल बहुत जोरों से धड़कता है जब वो अपने बीवी बच्चे को याद करते हैं, बदन का रवा रवा खड़ा हो जाता है। कसम खुदा की ड्राइवर रोड में एक्सीडेंट करके तड़पते रहते हैं कि एक बार अपने बच्चे का मुंह देख लूं, अपने बीवी का मुंह देख लूं, अपने बच्चे से बात कर लूं। कुछ मेरे अंदर आवाज़ें हैं जो मैं अपने माँ बाप को सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, बट उसको मौका नहीं मिलते और वो अपने जान से हाथ धो बैठते। बट जीते जी ड्राइवर का कदर करो। दवा दारू मेडिसिन खाना हर परिस्थिति में ड्राइवर लड़ता है। इतने बड़े कोरोना काल चले गया, सब घर पे थे, लेकिन ड्राइवर ने अपना वर्क को बंद नहीं किया, वो वर्क करते रहे। और आप पगार नहीं मिलते भाई, 3-3 महीना हमको मिलते हैं बट और ड्राइवर को तो नहीं मिलते ना, वो तो तड़पते हैं। बट फिर कभी कभी जो महसूस होता है ना दिल में, बहुत महसूस होता है कि ये हवाएं मेरे माँ बाप को छू के आया, मेरे बीवी को छू के आया, मेरे बच्चे को छू के आया। तो इस पे मैं 4 लाइन गाना चाहूँगा कि ये हवाएं लबों को तेरी छू कर आ गया, दिल को महसूस हुई ये हवाएं लबों को तेरी छू कर आ गया, दिल को महसूस हुई दिल मेरा जोरों से धड़कता है। तो यही अपना जीवन है, बस गा के बता सकते हैं, गुनगुना के, और कुछ नहीं है। आप लोगों को जरा खूबसूरती दिखाते हैं पेट्रोल पंप का, ये रहा फूल का गाज, वाओ नाइस। और यहाँ पे हम लोग भी डीजल लेते हैं रात को, मैं तो डीजल यहीं पे लेता हूँ जब आता हूँ मुंबई से, तो डीजल लेके फिर कंपनी में जाता हूँ। उधर मेरा कंपनी है जो मेरी गाड़ी लगी है, जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और यहाँ बड़े बड़े गाड़ी देख लो दोस्तों, ये ड्राइवर के लिए कुछ सुविधाएं होते हैं पेट्रोल पंप का, देख सकते हैं। और गर्मी की वजह से यहाँ डॉगी लोग भी आके बैठे हैं, बट बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। मैंने भी अपना कंपनी में सबको बिस्कुट खिलाते रहता हूँ। तो ये रहा बाथरूम ड्राइवर का, और ये जो है ना पेट्रोल पंप में ना बने रहते हैं, देखो कितना साफ सफाई तो देख लो। तो ड्राइवर का इज्जत सिर्फ पेट्रोल पंप वाले करते हैं। ये देखो बाहर का नज़ारा है, ये देखिए ये पूरा पेट्रोल पंप। ये देखिए कुछ ड्राइवर हैं पंखा चला के अंदर सो रहे हैं। ये देखिए यही जीवन है, सब अपना घर परिवार से दूर होते हैं मगर इनको रिस्पेक्ट कोई नहीं करते हैं। दोस्तों जीते जी किसी का रिस्पेक्ट करो या ना करो, ड्राइवर का रिस्पेक्ट क्या करो, क्योंकि इनके वजह से आपको एक अच्छा जीवन मिलता है, हर चीज़ पहुंचाता है लाके। आप अगर 2 पेक मारना चाहते हो तो वो पेक भी पानी सोडा सब कुछ यही लाके देते हैं,
देखिए डीजल पेट्रोल ये पार्किंग है, इसी का अंदर हमको जाना है खाना लेने के लिए, इसका अंदर ही होटल है। बाकी इस इधर में होटल में जाएंगे ना तो उधर बराबर खाना तो मिलेगी लेकिन वो शुद्ध वाला खाना नहीं मिलेगी। यहाँ जितने भी पेट्रोल पंप हैं सब अपना यूपी बिहार वाले हैं। मैं कभी मिलवाऊँगा अगले संडे को, आज का ब्लॉगिंग यही रहा। और ये रहा गाड़ी का पार्किंग, जहाँ पे ना गाछ है ना कुछ है, सब गर्मी में पंखा चला के कोई एसी चला के सो रहे हैं। बट हिंदुस्तान में तो पहले एसी भी नहीं था। देखिए खाना बन रहा है कुकर में, और यही कोना में होटल, मस्त होटल है, ढाबा, इंडियन ऑयल ढाबा। हाँ, वो सोने का रूम है ड्राइवर का, विश्राम रूम। ये देखिए लिखा है विश्राम रूम, है ना, ये ड्राइवर सो सकते हैं। वहाँ भी एक है वो हवा महल, ड्राइवर वहाँ लेट के हवा खा सकते हैं। और ये ढाबा हो गया ड्राइवर के लिए जो इंडियन ऑयल का ही है, जो आके खा के आराम से गाड़ी में सो सकते हैं। ये पार्किंग है, बहुत बड़ा पार्किंग है, देख रहे कितना गाड़ी लगी है, पूरा पार्किंग ही पार्किंग है। और नहीं तो अगर आपको विश्राम रूम में सोना है तो यहाँ भी आके सो सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ पैसे लगते हैं, बट आज तक तो मैं कभी सोया नहीं हूँ तो हमें नहीं पता कितने पैसे लगते हैं। और ये देखिए ये रहा ड्राइवर का पहचान, क्योंकि बिना गुटखा का ड्राइवर चलते नहीं है भाई, नींद लग जाती है ना। और ड्राइवर की अगर असलियत जानना है तो देखिए, ये तो पेट्रोल पंप का मैंने नज़ारा दिखाया, हाईवे का नज़ारा दिखाया, बट आप देख लीजिए जो पेट्रोल पंप के बाजू में जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, देखिए यहाँ पर ना गाछ है, कहीं भी गाछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, बट ड्राइवर ऐसे जीते हैं। देखिए उसमें भी खाना बन रहा है, वो गाड़ी है ना उसमें खाना बन रही है, इसमें भी खाना बन रही है शायद। और ये देखिए सब जो है कि सो रहे हैं गर्मी में, तो ऐसे ड्राइवर को तड़पना पड़ता है अपने फैमिली परिवार से दूर बाहर में। तो ये एक मतलब मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए आया, मैं सिर्फ ड्राइवर का असलियत बताने के लिए आया कि ड्राइवर कितने काम करते हैं, बट ड्राइवर को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा होता है हमारे को दो दो दिन खाना नहीं मिलता है, बट वही बिस्किट वगैरह खा के जी सकते हैं आप, अपने पसंद से रोटी वगैरह नहीं खा सकते हैं, बना भी नहीं सकते हैं, ऐसे जगह में गाड़ी ख़राब हो जाती है। बट ये ड्राइवर का जीवन ही ऐसा है, इसमें किसी की शिकायत नहीं। हम पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, हमें माँ बाप पढ़ाते थे, हम पढ़े नहीं थे, हम क्या करेंगे, तो हम ट्रक लेके बड़ा बड़ा ऐसे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज ड्राइवर का कीमत पता चलेगा ये ब्लॉग वीडियो में, क्योंकि आज मैंने ब्लॉगिंग सिर्फ ड्राइवर के लिए कर रहा हूँ। जी हाँ, यही होटल से खाना लेता हूँ, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप वाले का ही होटल है, बट कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे के रखे हैं, बट खाना अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। चलिए बने रहिए वीडियो में, खाना ले लिए दोस्त, चलो आप कंपनी, बड़ा धूप है यार। तो दोस्तों खाना मैंने ले लिया अपना, आप सोचिए कि मैं सिर्फ अपना कंपनी से खाना लेने गया तो इतना ज़बरदस्त ब्लॉग वीडियो दिखा दिया कि ड्राइवर कितना संघर्ष करते हैं इतना धूप में गाड़ी लगा के। और जो पंचर बना रहे हैं ना, पंचर जो भटो 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 जो मशीन का आवाज़ें आ रही है, इतना गर्मी में वो टायर ठोकते होंगे, समझ सकते हो भाई। मर्दों का फीलिंग से मत खेलना, मर्द को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये देखो ये भी अपना बीवी बच्चा घर परिवार छोड़ के हैं, और घर में जाओगे तो बीवी करेगी टें 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 टें। अरे यार ड्राइवर कब बड़ा हादसा का शिकार हो जावे भरोसा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट कर लो, उससे दो बात बतिया लो, उससे ज़रा प्यार वाला बात बतिया लो भाई। ज़िंदगी तो सब जीते हैं लेकिन ड्राइवर जैसा डिफ़िकल्ट ज़िंदगी कोई नहीं जीते हैं, कसम खुदा की, आप मानो या ना मानो। यार गाड़ी तो रुक जा मेरे भाई, धूप लग रही है, हमें तो जाने दे। ये देखो इतनी गाड़ी आ रही है, मैं धूप में पड़ा हूँ, मुझे जाना है, पूरा बदन जल रही है यार धूप में। ये देखिए तो वही है स्कॉर्पियन एक्सप्रेस लिमिटेड, अब तो दौड़ना पड़ेगा भैया, मैंने दौड़ दिया भैया। अरे माँ, ये देखिए इतना धूप इतना गर्मी। और ये है देखो हमारे कंपनी का गाड़ी लगी है बाहर में स्कॉर्पियन, भैया जाओ, भैया जाओ जाओ, इतराओ नहीं जाओ। ये देखिए मैं अपना कंपनी का गेट में आ गया हूँ, ये जो गाड़ी सब लगी है
मैं उधर का गेट से निकला था, उधर से उधर 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 खाना लाने गया, और मैं ये गेट से एंट्री किया। ये रहा एंट्री गेट। वॉचमैन आज छुट्टी है, संडे है, तो चलिए। तो मित्रों खाना तो ले लिए, तो चलिए यहीं से अपने ब्लॉगिन को वीडियो करते हैं। वीडियो नहीं करते यार, बंद करते हैं। और रिस्पेक्ट क्या करो ड्राइवर को। हाँ।